हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अब एक बार फिर से अनुपमा की मां कांताबेन अपनी सुपर वुमन पावर के साथ नजर आएंगी। जहां पहले भी उन्होंने अपनी बेटी अनुपमा की हिम्मत बन के उसे दिखाया, अनुपमा के हर कदम पर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है, क्योंकि अनुपमा को इन सब चीज़ों की अभी बहुत ज़रूरत भी है। अनुपमा को भी इस वक्त ऐसे सपोर्ट सिस्टम की नीड है जो बिना किसी प्रॉफिट के उसके लिए कुछ करे, उसकी हिम्मत बने, उसको सपोर्ट करे। और यहाँ पर ऐसा ही सब कुछ करती नजर आ रही हैं अनुपमा की माँ कांताबेन उसके लिए। तो वहीं कांताबेन को भी ऐसे में पता चल चुका है बरखा की घिनौनी साजिशों के बारे में। वो जान चुकी हैं कि किस तरीके से बरखा जो है वो अनुज का घर और बिजनेस हथियाने के लिए अपने गंदे दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। अनुपमा और अनुज के खिलाफ साजिशों पर साजिश रचती जा रही है, कैसे भी अनुज और अनुपमा फिर से एक ना हो पाएं और कभी भी वापस ना आए कपाड़िया हाउस और वो सब कुछ अपने नाम पर कर ले और पूरे कपाड़िया एम्पायर की मालकिन बन जाए। तो इसी बीच आप शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखेंगे कि कांताबेन अब पहुंचने वाली है कपाड़िया हाउस और बरखा की रिमांड लेने वाली है। जहां दोस्तों आपने एक बार पहले भी कांताबेन के ये पावरफुल लुक को देखा ही होगा शाह हाउस में, तो वहीं उनका दूसरा लुक आप सभी बहुत जल्द देखने वाले हैं कपाड़िया हाउस में भी, जहाँ पर वो बरखा की जम के क्लास लगाएंगी और ढेर सारी खरी खोटी भी सुनाएंगी और साथ ही साथ उसे वार्निंग भी देंगी। तो वहीं बरखा को भी रियलाइज होगा कि जो अनुपमा की माँ बोल रही हैं कहीं सच में कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ। कांताबेन कहेंगी कि दूसरों की मेहनत पर अपना हक नहीं जताया जाता, दूसरों के हक को मार के खुद राज नहीं किया जाता। अभी मेरी बेटी अनुपमा का वक्त खराब है, तो इस बात का तुम गलत फ़ायदा उठाने की सोचना भी मत। तो वहीं बरखा भी शांत रह के अपनी गलती मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों, वो अपनी मैनिपुलेशन की पावर का इस्तेमाल करके कांताबेन को भी अपनी बातों में उलझा देगी, जिससे कांताबेन को भी लगने लगेगा कि अनुपमा का कपाड़िया हाउस में जाना और रहना ठीक नहीं होगा। अब दोस्तों, सीरियल की कहानी में जो चल रहा है उसे देखकर तो यही समझ आ रहा है कि मेकर्स चाहते हैं कि अनुज और अनुपमा के बीच कोई भी कनेक्शन ना रहे, वो दोनों अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें, वो भी अलग अलग रह के। तो सीरियल अनुपमा की कहानी एक तरीके से सस्पेंस ही बनती जा रही है, जहां अनुपमा का सब कुछ छिन चुका है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे अनुपमा अपने दम पर खड़ी होती है, अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ती है और कैसे अपने दुश्मनों का सर शर्म से झुकाती है। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।